None of us want to be in this situation. भारत और कनाडा के बीच रिश्ते अब अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुके हैं। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले ने इन दोनों देशों के बीच एक कड़वे विवाद को जन्म दे दिया है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कुछ समय पहले यह आरोप लगाया कि भारत के एजेंटों का हाथ हरदीप निज्जर की हत्या में है। ये एक ऐसा बयान था जिसने दोनों देशों के बीच राजनयिक तनाव को बढ़ा दिया। भारत ने इन आरोपों को खारिज कर दिया और कनाडा के इस कदम पर कड़ी आपत्ति जताई। हालात तब और बिगड़ गए जब 13 अक्टूबर को कनाडा ने भारत के उच्चायुक्त संजय वर्मा और अन्य भारतीय राजनयिकों को लेकर एक चिट्ठी भेजी। इसके जवाब में भारत ने तुरंत एक्शन लिया और संजय वर्मा को कनाडा से वापस बुला लिया। भारत ने इसके बाद एक और कड़ा कदम उठाते हुए कनाडा के 6 राजनयिकों को देश छोड़ने का आदेश दिया, जिनमें कनाडा के कार्यवाहक उच्चायुक्त स्टीवर्ट व्हीलर भी शामिल थे। विशेषज्ञ मानते हैं कि ट्रूडो सरकार का यह कदम दो वजहों से हो सकता है। पहला, ट्रूडो की वोट बैंक की राजनीति, जिसमें खालिस्तानी समर्थकों का समर्थन हासिल करना एक प्रमुख वजह हो सकती है। दूसरा, कनाडा में चीन के प्रभाव का भी एक बड़ा हाथ हो सकता है। ट्रूडो सरकार को पहले ही चीन के हस्तक्षेप के मामले में बदनामी का सामना करना पड़ा है। ऐसे में भारत और कनाडा के बीच यह नया विवाद इस पूरे परिदृश्य को और जटिल बना देता है। भारत ने साफ किया है कि वो इन आरोपों को सिरे से खारिज करता है और कनाडा में भारतीय राजनयिकों की सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता है। दोनों देशों के बीच ये कूटनीतिक तनाव किस दिशा में जाएगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन एक बात तय है, इन घटनाओं ने भारत और कनाडा के रिश्तों पर एक गहरा असर डाला है। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली खबर में। धन्यवाद।